अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद है इंशाल्लाह सब भाई ठीक होंगे। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नदीम और आज हम बात करेंगे मिनोक्सिडिल के बारे में। मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाई थी लेकिन वो उसमें ज़्यादा एलैबोरेट नहीं हो सका, तो आज हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। मिनोक्सिडिल 5% जो सऊदी अरेबिया में सबसे ब्रांड इस्तेमाल ज़्यादा होता है वो है एवोगेन 5% एवलॉन फार्मा का। ये 66 रियाल का आता है, तो मोस्टली यही इस्तेमाल होता है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में। मिनोक्सिडिल दोस्तों हेयर लॉस के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे हेयर लॉस जो विरासती होता है। अगर आपकी फैमिली में, आपके भाई में, आपके अबू में, आपकी दादा में, चचा में अगर हेयर फॉल है तो वो हेयर लॉस है, तो वो आप में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसको विरासती बोलते हैं। ये ख़ास तौर पे उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ सूरतों में अगर प्रेगनेंसी है के बाद में जाती है हेयर फॉल, या प्रेगनेंसी के पहले हो जाती है, बाद लोगों का एक्सीडेंट कोई ट्रामा की सूरत में हो जाता है हेयर फॉल, तो इसलिए उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन उसमें उस सूरत में थोड़ा इफेक्ट करता है, लेकिन जो विरासती है उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो मेल बाल्डनेस होती है उसमें ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये मेडिसिन होती है जनाब, ठीक है, स्प्रे की सूरत में मिलती है और फोम की सूरत में मिलती है, लेकिन यहाँ पर तो ये स्प्रे की सूरत में। अब ये दूसरे नंबर पर ये कि ये काम कैसे करता है, मिनोक्सिडिल काम कैसे करता है। ये क्या करता है, ये आपके जब आप लगाते हैं इसको तो ये आपके हेयर फोलिकल जो आपका बालों का जड़ है उसके अंदर है, ये वहाँ पे असर करता है और उसको पुशअप करता है, ग्रोथ करता है वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा करके, ठीक है। तो आपके जो बाल हैं वो लंबे होते हैं और मोटे होते हैं, ठीक है। अगर आपके बेबी हेयर्स ऑलरेडी हैं तो इनको मोटा करेगा, लंबा करेगा, और अगर आपके सिर्फ पोर्स हैं तो ये वहाँ पे नए बाल उगाएगा, बेबी हेयर उगाएगा। जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, बेबी हेयर हैं वो मोटे होते जाएंगे और आपके बालों में मिल जाएंगे। हाँ जी, मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल कैसे करना है, मिनोक्सिडिल को आपने, ये स्प्रे होता है शक्ल में, अगर आपके पास स्प्रे है ये स्प्रे होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर बाल्डनेस है, जहाँ पर भी बाल्डनेस है, ठीक है, आप वहाँ पर इसको स्प्रे कर लें। ये इसमें 50 ml होता है, कुछ सूरतों में ये 60 ml भी आता है, ठीक है, दूसरी कंपनी का मिल जाए तो। आपने इसको 6 स्प्रे करने हैं, 6 स्प्रे सुबह में, 6 स्प्रे रात में, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 6 महीने से लेके 1 साल तक। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको असर जो है वो 2 या 3 हफ्ते बाद नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके बाल वैसे गिरेंगे जैसे पहले गिर रहे थे। आपने इसको जो आपको असर शो होगा वो 2 से 3 महीने बाद इस्तेमाल होगा के बाद, इस्तेमाल के बाद आपको पता चलेगा कि इसका असर आ रहा है। अगर 3 से 4 महीने बाद भी आपको असर नहीं आ रहा, कोई भी आपको 5 से 10% भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप इसको छोड़ दें, आप ये काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको छोड़ना है, ठीक है, जब आप इसको 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप इसको छोड़ना है तो जो आखिर वाला महीना होगा, आपने इसको पहले तो 2 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे थे, अभी क्या करना है, पहले हफ्ते में आपने इसको इस्तेमाल करना है 1 दफ़ा, सिर्फ सुबह में इस्तेमाल कर लें 6 स्प्रे। लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको बाल जो है 3 से 4 घंटे धोने नहीं हैं, ठीक है। दूसरे हफ्ते में क्या करें, आप एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल कर लें, ठीक है, 6 स्प्रे। तीसरे हफ्ते में क्या आप कर, हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, और आखिरी हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। ये इसको छोड़ने का तरीका है, इसको आहिस्ता से छोड़ें। अगर आप एकदम छोड़ देंगे तो आपके बाल दोबारा वैसे ही गिरना शुरू कर देंगे, ठीक है। कुछ लोगों में शिकायत होती है जी हम मिनोक्सिडिल इस्तेमाल तो करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बाद में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ लोगों में असर होता है, लेकिन मोस्टली लोगों में 90% 80 से 90% लोगों में ये बाल आपके वैसे ही रहेंगे जैसे ये मिनोक्सिडिल इस्तेमाल के बाद हो गए हैं। अब बातें हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि ये बाज़ सूरतों में आपको रेडनेस कर देता है, वहाँ पे ख़ारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। ये मूली है, आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करें। अगर आपकी ये स्वेयर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आप इसको छोड़ दें, ठीक है। आप फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर लें या अपने डॉक्टर से इस्तेमाल किसे कंसल्ट कर लें, ठीक है। बाद लोगों में इसमें डेंड्रफ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये स्प्रे होता है तो वहाँ पे जो ये आपका बेनिफिशियल ऑयल होता है उसको भी रिमूव कर देता है, ठीक है। तो सूरतों में भी अगर ये स्वेयर किस्म की, अगर नॉर्मल है डेंड्रफ, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं निज़ोराल शैम्पू, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, ठीक है, ये इसको आपका डेंड्रफ ख़त्म कर देगा। अगर वो स्वेयर किस्म की है, साथ में रेडनेस है, साथ में डेंड्रफ है, तो आप इसको छोड़ दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों ये तो थे इसका मिनोक्सिडिल, इसका तरीका इस्तेमाल, ये कैसे काम करता है, ठीक है।
तो अगर किसी भाई किसी और मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब दूंगा। भाइयों से गुजारिश है कि चैनल सपोर्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।